मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी पर आला सतह का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क भर में अमन अमान और सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानिब वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। वफाकी काबीना का इजलास अब 28 मार्च जुमेरात को होगा। शांगला में बशाम के मुकाम पर गाड़ी पर खुदकुश हमला, ISPR के मुताबिक 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद हलाक। DIG मालाकंज के मुताबिक हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी बस से टकराई। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की जानिब से शदीद अल्फाज में मुजम्मत, कहा दुश्मन कुव्वतें पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने में कभी कामयाब नहीं होंगी। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा दहशतगर्दों और सहूलतकारों को इंसाफ के कचहरे में लाया जाएगा। हमले की मनसूबाबंदी पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों ने की थी, हम ऐसी तमाम कुव्वतों के खिलाफ पूरी आजम के साथ कार्रवाई करेंगे। तर्जमान पाक फौज का कहना है दहशतगर्दी के हालिया वाकयात बुजदिलाना कार्रवाइयां हैं, मकसद दाखती सलामती की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करना है। वाकयात हमारे दरमियान इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश है। बास गैर मुल्की अनासर अपने जाती मफादात के तहत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मदद में मुलव्वस हैं, ये अनासर मुसलसल बेनकाब हो रहे हैं। ऐसे वाकयात अवाम के आज़म को पस्त नहीं कर सकते, दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। पाकिस्तान का शांगला वाकया की आला सतह पर तहकीकात कराने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सफारतखाने आमद, चीनी बाशिंदों पर हमले पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी, दहशतगर्दों को करार वाकया सजा मिलेगी। CPAC दुश्मनों ने फिर ऐसी बुजदिलाना हरकतें शुरू कर दी, दुश्मन अपने नापाक अजाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे, दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा दुश्मन को इस हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा चीनी भाइयों पर हमला इंतहाई तकलीफ देह है, सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का हमले पर अफसोस का इजहार, कहा पूरी कौम चीनी आवाम के साथ खड़ी है, अम के लिए जारी काविशें जरूर रंग लाएंगी। मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी हमले की मजम्मत। पाकिस्तान में चीनी सिफारतखाने और कौंसलेट जनरल की शांगला हमले की मजम्मत, कहा पाकिस्तान के साथ मिलकर मसले से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, हमले की मुकम्मल तहकीकात और मुलव्वस जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाए। सूरत में पाक बेरिया के बस पर हमला नाकाम, चारों दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। बहादुरी से लड़ते हुए सिपाही ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक 25 और 26 के दरमियानी शब दहशतगर्दों ने PNS सदीक पर हमले की कोशिश की, फोर्सेज ने मुअसर जवाब देते हुए हमले को नाकाम बनाया। बहरी दस्तों की मदद के लिए और इर्द गिर्द में मौजूद फोर्सेज को फौरी मुतहरिक किया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन में चारों दहशतगर्द मारे गए। फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान के सिपाही नुमान फरीद शहीद हुए। शहीद की उम्र 24 साल, मुजफ्फरगढ़ का रहायशी था। शहीद सिपाही की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर तुरबत में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेज को खराज तहसीन, कहा दहशतगर्दी को कुचलने के लिए पुरासम है। ताकतवर सिस्टम बादल बरसाने को तैयार, मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के मगरबी हिस्सों में दाखिल हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। 31 मार्च तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश की पेशगोई। 29 और 30 मार्च को बालाई के पी मरी गिलियात कश्मीर और GB में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। आंधी जालाबारी और तेज बारिश के बायस खड़ी फसलों कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का अंदेशा। अदालती उमूर में एग्जीक्यूटिव और एजेंसी की मदाखलत का इल्जाम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत। खत में कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के करीबी रिश्तेदार को 24 घंटे के लिए अगवा किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मदाखलत के बारे में बताया। चीफ जस्टिस ने कहा अब मदाखलत नहीं की जाएगी, इसके बावजूद मदाखलत जारी रही, अदलिया में मदाखलत को रोका जाए। खत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज ने लिखा।
मुल्क को मुआशी भवर से निकालने के लिए अहम बैठक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने के मुश्तरक अज़्म का इजहार। बात यह है कि अगर आवाम पाकिस्तान के लोग हमारी बात को पूरी तरह से मानते, सेपरेट मैंडेट ना देते, पीएमएलएन को जो है वो सिंपल मेजोरिटी देते, तो हमारा ये वादा था अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ कि हम दो साल में मुल्क को इस दलदल से निकालते। ये हमारा वादा था, हमारी कमिटमेंट थी। अगर हम ना निकाल सकते तो बिल्कुल कसूरवार भी ठहराए जाते और उसकी सजा भी जो है वो लेने को तैयार होते। अब कोलिशन गवर्नमेंट है, बाकी पार्टियां साथ हैं, सारे मिलकर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हमें हुकूमत में नहीं जाना चाहिए था, ये पार्टी का अक्सरियती फैसला था। नवाज शरीफ की मंजूरी से ही हुकूमत बनाने का फैसला हुआ। रानवा नून लीग राना सनाउल्ला की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा, हमें सादा अक्सरियत मिलती तो मुल्क को दरपेश मसाइल हल कर सकते थे। अब इत्तेहादी हुकूमत है, जो होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ नून लीग की नहीं तमाम इत्तेहादियों पर आयद होती है। अरसा के कानून में लिखा है सूबों से मुशावरत की जाएगी, अगर ना भी लिखा हो तो भी इत्तेहादियों से मशवरा करना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाह अमरीका राना सनाउल्ला के चेयरमैन अरसा के हवाले से बयान पर जवाब। कहा, नून लीग पीपल्स पार्टी का वोट मुफ्त में चाहती है, हमसे उम्मीद करते हैं हम उनके गैर कानूनी कामों पर मोहर लगा दें तो वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। पुलिस अहलकार से बदसलूकी करने वाले लीगी एमपीए मलिक वहीद को शो कॉज नोटिस। मरियम नवाज इन एक्शन, ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर से मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, एमपीए के सलूक पर आपसे बहुत शर्मिंदा हूं, आइंदा आपने ड्यूटी करनी है, किसी से नहीं डरना, जिम्मेदारी पूरी करने पर कभी किसी से माफी नहीं मांगनी, कोई भी कानून से बड़ा नहीं। उधर उस्मा कारदार की ज्वेलरी चोरी के मामले पर भी सख्त नोटिस। वजीर पंजाब ने उस्मा कारदार को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। खवातीन मुलाजमीन पर पुलिस तशद्दुद पर शोकॉज जारी किया गया। बानी पीटीआई का डोनाल्ड लू के बयान पर दोबारा इंक्वायरी का मुतालबा। अडियाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा, अमरीकी सफीर मिलने जेल नहीं आए, अमरीकी सफीर से मुलाकात हुई तो डोनाल्ड लू के बयान पर बात करूंगा, अमरीकी सफारतखाने के किरदार पर भी बात की जाएगी। उधर बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, पंजाब में पार्लिमानी लीडर मियां असलम इकबाल होंगे, पंजाब से सैनेट में हमारे उम्मीदवार जुल्फी बुखारी हैं, जिन इंतखाबात में पीटीआई जलसों का इनेकाद करेगी। बुशा बीबी का अपने शहर में कुछ मिलाने का इल्जाम। अडियाला जेल पेशी पर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, गुजश्ता पेशी पर आई तो बनीगाला में मौजूद शहर में कुछ मिलाया गया, वापस जाकर शहद खाया तो तबीयत बिगड़ गई। अपैलेट ट्राइब्यूनल ने परवेज इलाही और मोनस इलाही के कागजात मंजूर करके हल्का पीपी 32 से इंतखाबात लड़ने की इजाजत। लाहौर हाई कोर्ट अपैलेट ट्राइब्यूनल ने फैसला सुना दिया, मोनस इलाही के कागजात भी मंजूर। चौधरी शुजात की हमशीरा सुमेरा अली और रेहाना अब्बास को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत। रेहाना अब्बास की बेटी को भी इलेक्शन में उतरने की इजाजत। एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से सैनेट टिकटों से मुतालिक आज हतमी फैसले का इम्कान। फैसल वाबदा को बतौर आजाद उम्मीदवार सपोर्ट करने और एक उम्मीदवार को पार्टी टिकट जारी करने पर गौर। जराये के मुताबिक सैनेट इंतखाबात में मुतहदा जनरल नशिस्त पर एक सीट बासानी जीती जा सकती है। एमकेएम पाकिस्तान दूसरी सीट दीगर पार्टी के साथ मिलकर जीत सकेगी। जनरल नशिस्त के लिए अबू बकर, आमिर चिश्ती, रऊफ सिद्दीकी और दीगर उम्मीदवारों के नामों पर गौर। वालदैन सिर्फ ये चाहते हैं कि जो पॉलिसी है और जो कॉलेज के रूल्स हैं उनका एहतराम किया जाए और
उनके खिलाफ वर्दी न की जाए। जो माइकल थॉम्सन ने आके चार्ज लिया, उन्होंने स्कूल के अंदर इतने रिमार्केबल चेंजेस लेकर आए। आज आप देखें हमारे सारे क्लब सोसाइटी सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। शो सॉलिडारिटी जो हमारे प्रिंसिपल है माइकल थॉम्सन उनके साथ, और ये मेरे ख्याल से क्लियर सिग्नल कि इस तरह से इजाजत नहीं मिलेगी स्कूल में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की। प्रिंसिपल साहब हमारे बच्चों के लिए, हमारी कोई उनके साथ कोई जाती तो कोई जान पहचान है ही नहीं है ना, तो कम से कम उनको रहने दें और हमारे बच्चों पे भी रहम करें, अपनों पे भी करें और हमारे पे भी। हमारी एक ही डिमांड है कि प्रिंसिपल साहब की रेजिग्नेशन जो है वो वापस दी जाए। एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल के इस्तीफे पर वालिदैन सड़कों पर, गवर्नर हाउस के बाहर तुलबा के वालिदैन का एहतजाज। एचएसएन कॉलेज में सियासी मुदाखलत बंद करने का मुतालिबा, कहा सियासत नहीं सिर्फ तालीम चाहिए। एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल को वापस लाया जाए, इदारे में मुदाखलत बंद की जाए। उधर गवर्नर पंजाब ने प्रिंसिपल माइकल थॉम्सन की 28 दिन की छुट्टी मंजूर कर ली। आमना कामरान और खालिद नून इंतजामी फराइज सर अंजाम देंगे। विफाक वजीर अहद चीमा का गवर्नर पंजाब अली रहमान को खत लिखा। एचएसएन में जेर तालीम बच्चों के लिए सहूलियत से फायदा नहीं उठाना चाहता, गुजारिश है मनफी दबाव के तहत नई पॉलिसी को वापस ना लें। पॉलिसी आने वाले वक्त में वालिदैन के लिए बहुत मददगार साबित होगी। फीस माफी की नई पॉलिसी रवायती अशराफिया की जहनीत के खिलाफ है। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने वजीर अला पंजाब को मरासला अरसाल कर दिया। पंजाब भर की जामियात में अहम तरीन ओहदों पर मुस्तकिल तकरियों पर तवज्जो मबजूल कराई। गवर्नर पंजाब ने कहा अहम तरीन ओहदों के मामलात आरजी तकरियों पर चलाए जा रहे हैं। पीआईए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इदारे की निजकारी की मंजूरी दे दी। इदारे की स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की भी मंजूरी। पाकिस्तान एयर इंटरनेशनल ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को खत लिखकर आगाह कर दिया। 83वें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में पीआईए की निजकारी की तौसी की गई। खबर मिलते ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 380 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 65,900 की सतह पर बंद हुआ। मईशत की मजबूती नागुजीर करार, पीआईए की निजकारी होगी, एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया। टैक्स एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब से खिताब में कहा तरक्याती काम और तनख्वाहें कर्ज लेकर अदा कर रहे हैं, नए आईएमएफ प्रोग्राम के बगैर हमारा गुजारा नहीं, माजी की कोताहियों से सीखकर आगे बढ़ना होगा। वजीर आजम ने तकरीब में सबसे ज्यादा टैक्स देने वालों को अवार्ड से नवाजा। भारी टैक्स अदा करने वालों को ब्लू पासपोर्ट जारी करने का ऐलान, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है एफपीआर में इस्तेहाद की बहुत जरूरत है, टैक्स लीकेज रोकने के लिए एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन नागुजीर है, अब एक्सपोर्ट में इजाफे पर तवज्जो देना होगी। सलामती काउंसिल कर्दात के बाद इसराइल मजीद भी पर गया। सहूनी फोर्सेज के गाजा पर वेश्याना हमले तेज, रफा में इसराइली हमले में मजीद 15 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी शहदा की मजमू तादाद 32,000 से तजावज कर गई। जर्मन हुकूमत का फलस्तीनियों के इमदाद के लिए $48 मिलियन देने का ऐलान। समझता हूं कि एक मुसलमान हो गैरती ना हो कैसे हो सकता है, एक मुसलमान हो सखी ना हो कैसे हो सकता है, एक मुसलमान हो और इमाम हसन को मानता हो और बुर्दबार ना हो, और एक मुसलमान हो इमाम हुसैन को मानता हो और उसके अंदर जुर्रत ना हो, गैरत ना हो, हया ना हो, कैसे मुमकिन हो। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में हुई 15वें रोजे की अफ्तार। हजरत इमाम हुसैन का यौम विलादत अकीदत व एहतराम से मनाया गया। मेजबान सैयद फरहान अली वारस ने पेश किया कलाम,
मौलाना आजाद जमील ने फजाइल हजरत इमाम हसन बयान किए। देखिए प्यारा रमजान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोजाना 3 बजे से।